Okay dear, good afternoon. Today we'll discuss about the money and credit. So yesterday we have completed the chapter on money and credit. Formal and informal agencies. Formal and informal agency, so there were the 9 points you were discussed regarding the formal and informal. Formal agencies or informal agencies, so when you know the example, one is the bank or cooperative sector or informal bank, relative, money lenders, friend, retailer, traders, like. So on the basis of example, you know very well what are the segment differences. So minimum 5 points with the explanation aapko karne. 9 points, any 5 points, which play the important role or whatever, it was also important. Next, self-help group. What is the self-help group? So it is a word like a self-help group, you know, many times what happens, see there are the different female population who are living in different areas. So through the saving, why normally they activity karte hai. Through the saving, suppose 10,000 rupees, there are the 12 people, population 12, और दिस आर द पर मंथ सेविंग उनकी 10,000 आउट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटी रन. मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे रन करते. तो यू नो देर आर द 10 वुमेन, पर मंथ उनकी सेविंग है 10,000 रुपीज. तो पर मंथ 1.2 या 1.20 सेविंग होगी पर मंथ, 1,20,000 रुपीज पर मंथ की सेविंग. तो विद इन द 10 मंथ्स ऑफ विद इन द 10,000 रुपीज, if you want to start any such smart or maybe the small business inside the house, like a tailoring work, carpet making, whatever, kuch bhi ho sakta hai. So it can't possible, 10,000 se possible nahi. It required a large amount, 50,000 ya 1,00,000 rupees to chahiye. It is difficult for the female. Documentation formality required, different are the contracts are required, jo aapko bank mein dikhana hai. There are the lot of formality required, so it is difficult task for them, unke liye. So ye kya karte hain, jaise like toll work karenge, or they may be take the one box or inside this box. Ye main bank ka self-help group bhi bata raha hu. Out of this activity run, ye bata raha hu main government kaise function karti hai iske liye. So they may be take 10 chit lenge, 10 names slip aur keep inside the जो भी बॉक्स और मे बी इनसाइड इट ट्रांसपेरेंट जो भी होगा. एवरी मंथ दे विल टेक आउट द वन चिट, लाइक फ्रॉम द थ्रू द लकी ड्रॉ व्हाटएवर, एक चिट निकालेंगे जिसके नाम चिट आया उसको 1,20,000 रुपीज उस मंथ में दे दिए जाएंगे. तो ई और सी मे बी स्टार्ट द एनी स्मॉल बिजनेस, क्या करना है उसको, उसके रिप्लेस में 10,000 रुपीज टिल 12 मंथ पे करने, वो तो सभी को 10,000 रुपीज फॉर 12 मंथ. फर्स्ट टाइम विड्रॉ हो गया तो 11 मंथ, तो एज इट ऐसे फर्स्ट चिट निकल गया तो कितने बचे 11, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट का करना जाएगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट. तो एक जने को मतलब कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज एक साथ मिल रहे, तो यू और सी कैन स्टार्ट दिस स्मॉल बिजनेस. तो एज इट लाइक ए सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन से दे मेक ए ग्रुप स्मॉल ग्रुप और कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और दे मे बी टेक द लोन फ्रॉम द बैंक और बैंक उनको लोन देता है. सम टाइम बैंक आल्सो प्रोवाइड द सब्सिडी प्रोग्राम, सो लाइक जैसे उनके लिए मशीन से टेलरिंग और इस टाइप की जो स्मॉल मशीन होती है उनको 50% रेट पे प्रोवाइड कर देते हैं. कभी कभी प्रेशराइज करते हैं किसी किसी इंडस्ट्रीज को इनको कि वेलफेयर सोसाइटी के अंदर इन मशीनों इन चीज़ों को डोनेट किया जाए थ्रू लाइक दिस. तो कितने ऐसे इंडस्ट्रीज हैं इन चीज़ों को डोनेट भी करते हैं. तो दिस आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो वर्क विलेजेस और इन रूरल एरिया मोस्टली, यानी सिटी में तो आपने पहले एग्जांपल डिस्कस के लिए कि मोस्ट ऑफ इन अर्बन एरिया डिपेंड ऑन द फॉर्मल सेक्टर, बट इन रूरल एरिया मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो दिस आर टाइप ऑफ केसेस आर फाउंड इन द रूरल एरियाज. तो वहां पे दिस इज नोन एज द सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तो उनको यू नो जैसे कलेक्शन में मिल जाएगा थ्रू द दे मे बी स्टार्ट स्मॉल बिजनेस. इसमें भी किसी किसी को जैसे 50,000-20,000 लोन मिल जाता है, वो अलग एग्जांपल, ये डिफरेंट है. तो यहाँ पे लोन मिल गया, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस व्हाटएवर और थ्रू द इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे
इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगी क्लियर के लाइक 1-2% में भी और सम टाइम नहीं भी कुछ तो इट इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द सेल्फ हेल्प ग्रुप और मे बी दोज आर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सबसे पहले क्रिमिनल क्यों लिटरेसी रेट सेम और सेम एनिमी मतलब आप सेम वर्क भी करेंगे आप सोसाइटी को डिफरेंट सैलरी पेड टू द फीमेल पॉपुलेशन पॉइंट ये आपने देखा है सोसाइटी में सेम वर्क उसके लिए भी सेम पेड नहीं होता दोनों को तो ऐसे कितनी चीजें तो उनको डेवलपमेंट के लिए दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फ्री एजुकेशन कितनी स्कॉलरशिप आती है गर्ल्स के लिए तो दिस इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप अब इस चैप्टर से रिलेटेड इफ यू एनी डाउट यू विल आस्क सेल्फ हेल्प ग्रुप नेक्स्ट विल स्टार्ट द प्रोडक्शन विद ग्लोबलाइजेशन और इसमें इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल इनफॉर्मल 3 में भी आ जाता है या 5 में भी आ जाता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आता है सेल्फ ग्रुप 3 या 5 मार्क्स और इस चैप्टर से और क्वेश्चन है बैंक फंक्शंस आ जाते हैं करें उसमें और लास्ट में जो क्वेश्चन आया था इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन था लास्ट में चलो ग्लोबलाइजेशन मल्टी नेशंस का यू नो मीनिंग ऑफ द ग्लोबल ग्लोबल मीन्स व्हाट चलो यू नो मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में तो वर्ल्ड सिकुड़ता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिकुड़ने का मतलब है कि इफ यू वांट टू परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द रिच अपार्ट फ्रॉम और मे बी द फार डिस्टेंस फ्रॉम योर नेशन तो इट इज इजी टू परचेज फॉर ऑल तो इट इज द गुड फॉर प्रोड्यूसर और कस्टमर इट इज गुड फॉर प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूम एंड व्हाई ग्लोबलाइजेशन अरे ग्लोबलाइजेशन सिंपल सा है इफ वी गो थ्रू द बैक साइड तो नो प्रीवियस ईयर बिफोर द फ्यू डिकेड्स कि देयर वर द 1 or 2 मोबाइल्स डिफरेंट ब्रांड वर अवेलेबल इनसाइड द मार्केट लाइक ए नोकिया सैमसंग और मे बी एक और चलता था जो माइक्रोमैक्स ओके देयर वर और टुडे इफ यू आर विजिटिंग द मार्केट फॉर अ मोबाइल ओहो लावा सैमसंग ओप्पो वीवो वन प्लस ये तो पॉपुलर कंपनीज है बाकी रेस्ट अर्ली टाइम व्हेन आई वाज परचेस द फर्स्ट फोन ना तो समय यू नो इसमें रिंगटोन आती थी पहले अर्ली टाइम पॉलीफोनिक रिंगटोन पॉलीफोनिक रिंगटोन में क्या लाइक कोई रिदम कोई सॉन्ग नहीं आता था इलेक्ट्रॉन पॉलीफोनिक रिंगटोन रिदम रिंगटोन स्टार्ट हुई जिसमें ओनली वाइब्रेशन फिर MP3 रिंगटोन वाले फोन आने लगे और फिर लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आने लगा तो अर्ली टाइम आप देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट इस टाइप से फोन तो टुडे दिस इज पॉसिबल थ्रू द ग्लोबलाइजेशन ना ओनली आज आपको कोई भी जो मोबाइल प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें इतने फीचर्स हैं तो इतना इजी गोइंग मिल रहा है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन और दिस हैपन टू ड्यू टू द ओनली मल्टीनेशनल कंपनी तो व्हाट आर द मल्टीनेशनल कंपनी व्हिच कंपनी इज द मोर देन या इन अ मोर देन नेशन जिसका इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज नोन एज द मल्टीनेशनल कंपनी एक नेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिफरेंट नेशन के अंदर तो यू नो जो पॉपुलर ब्रांड होता है किसी भी रीजन और एरिया में जो लोकल ब्रांड होता है लोकल मींस व्हाटएवर कंज्यूम बाय द लोकल प्रोड्यूसर लोकल कंज्यूमर लाइक इन योर राजस्थान जो ऑयल है सोयाबीन लाइक ए फॉर्च्यून मार्कोस दिस आर द फेमस ब्रांड तो मेनी टाइम मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है कि इन्हीं ब्रांड को परचेस करती है क्योंकि अगर कोई भी कंपनी न्यू ब्रांड लॉन्च करती है तो उसको एक इम्प्रेशन बनाने में मार्केट में फर्स्ट
पैदा करने में इतना टाइम लगता है कि उसको इतने इयर्स लग जाए कि उसके बाद ट्रस्ट बनता है। तो इन प्लेस ऑफ डेट ये डेट जो स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल कंपनीज है उनको परचेस करती है। सेकंड बेनिफिट मल्टीनेशनल कंपनी का, सम टाइम इफ एनी प्रोडक्ट मे बी फेमस इन साइड द राजस्थान तो वेल इट मे बी परचेस बाय द मल्टीनेशनल कंपनी तो इट विल बी सेल फॉर द नेशन और अदर नेशन आल्सो मे बी पॉसिबिलिटी। तो एक पब्लिसिटी भी मिलती है स्मॉल ट्रेडर्स को, छोटे ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर है उनको एक क्या मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल सेल करने लगे। दिस आर द मल्टीनेशनल कंपनी। ग्लोबलाइजेशन प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, फर्स्ट पैराग्राफ। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज तो इट इज पॉसिबल थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोड्यूसिंग वाज द लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। Colonies such as the India export the raw material and food and imported the finished product. You know, we also export the raw material in cotton also to the Japan. कुछ nations ऐसे होते हैं जो raw material purchase करते हैं change into the finished product. और जापान का जो cotton textile industry है वो सबसे world famous है Osaka inside the Japan, और जबकि जापान के अंदर cotton production import किया जाता है raw material cotton. तो इट डिपेंड ऑन द ह्यूमन रिसोर्स, इट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग द डिस्टेंस कंट्रीज। दिस वॉज डन थ्रू द बिफोर लार्ज कंपनीज और दिस कंपनीज आर नोन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज कंपनी डेट ओन और कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन द वन नेशन मल्टीनेशनल कंपनी। और why the such companies want to set up in their industries in different nation for a cost cutting? Cost cutting होते हैं to earn a profit, to increase the profit. तो there are many such industries which are setting their industries inside where the cheap labor available, cheap labor जहाँ मिलती है, no HR facilities are required, no safety measures are required. In dead area, you know Bhopal Gas State, जो Bhopal Gas Plant हो, dead. Another one, there are different, you know there are the many safety measures जैसे pollution to related air pollution, water pollution इनको ignore किया जाता है इंडिया. तो they want to set up in dead area जहाँ पे safety measures नहीं होते, cheap labor होते, no, जहाँ पे unemployment इतना होता है कि everyone may be ready to work in unsafe working condition also, उसमें भी तैयार हो जाते. तो मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप देयर इंडस्ट्रीज इन दैट एरिया। तो प्रोडक्शन इससे जो कॉस्ट कटिंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पे होता है प्रोडक्शन पे, वो ड्यू टू द कॉस्ट कटिंग वो कम हो जाता है। तो प्रॉफिट किसमें चला जाएगा, आपके प्रोडक्ट के अंदर।